अब ये तस्वीरें महज यादें बनकर रह गई हैं। जी हां, मेरे सामने जितेंद्र यादव, ये जो इतिहास था मगर आज वर्तमान ये है जितेंद्र यादव का। जब आप एक युवा को इस तरह से देखते हैं ना, आपके मन में आक्रोश आता है, क्योंकि ये सिर्फ अन्याय नहीं है, ये सरकार की उदासीनता है कि सरकार किस तरह से अपने एक नागरिक को भूल गई। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि विवेक तिवारी को जब पुलिस ने मौत की घाट उतार दिया था, उसके बाद राज्य सरकार किस तरह से सक्रिय हुई थी, मगर अपने एक और बेटे को मानो राज्य सरकार भूल गई है। मेरे साथ जितेंद्र हैं। जितेंद्र, मैं ये तो जानता हूं कि जिस सिपाही ने उस दिन आपको गोली मारी थी वो जेल में है, मगर हुआ क्या था? सर, वो 3 फरवरी को मैं अपनी दीदी की लगन सगाई से आ रहा था और सेक्टर 122 में मैं अपने फ्रेंडों को उतार रहा था, तभी पीछे से लाल ब्रेजर कार में 4 पुलिस वाले आते हैं और मेरी गाड़ी को रुका के मुझसे बोलते हैं कि क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या तुम लोगों को पता नहीं कि योगी जी का आदेश है कि 2 या 4 बंदे 9 बजे के बाद कहीं भी एक हाथ में खड़ा नहीं हो सकते। मैंने कहा नहीं, मुझको तो नहीं ऐसा कोई कानून पता। तो उसने तुरंत मेरे गाल पर चांटा मारा और मुझसे कहने लगा कि तुम लोगों को याद नहीं, चलो हम तुम लोगों को याद कराते हैं कि कानून क्या पास हुआ है। उन्होंने फिर हमारे साथ मार पिटाई करी और मुझको गाड़ी में, और मेरे 2 दोस्त थे उनको गाड़ी में जबरदस्ती धक्का मुक्की करके गाड़ी में बैठाया और कहने लगे चलो थाने चलो। मैंने कहा चलो थाने चलो, मैं घर पे फ़ोन करने लगा तो पुलिस वालों ने मुझसे फ़ोन छीन लिया और मार पिटाई करने लगे और मैंने खूब कहा कि मुझे घर पर कॉल करने, मेरा फ़ोन नहीं दिया उन्होंने और बहुत ज़्यादा मार पिटाई करने लगे। और विरोध करने पर सर विजय दर्शन शर्मा ने अपनी पिस्टल कोक करके मेरे तुरंत यहाँ पे गर्दन पे गोली मार दी। यानी कि उस वक्त तक जब आपकी मार पिटाई हो रही थी तब पुलिस ने गोली नहीं चलाई, पुलिस ने बाद में जाकर गोली चलाई, आप कह रहे हैं। जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि जाहिर सी बात है राज्य सरकार ने आपको कई आश्वासन दिए होंगे, क्या आश्वासन मिले आपको सांसद महोदय से और राज्य सरकार की तरफ से, और क्या कुछ पूरा हुआ है? जी, सांसद महोदय की तरफ से तो यही हुआ था कि जितेंद्र यादव जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा हमारी सरकार सारा खर्चा उठाएगी, बट उनकी तरफ से आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, ना आर्थिक मदद 1 रुपए की भी आर्थिक मदद नहीं की गई है, कोई मिलने के लिए तैयार भी नहीं है, ना कोई घर पे आया, ना जब अस्पताल में ही आए थे जो भी आए थे, अब कोई भी नहीं है। और वक्त तो बदल चुका है, मैं देख सकता हूं, वाकई मेरे पास शब्द नहीं है जितेंद्र, मैं इस वक्त आपको इस हालत में देख रहा हूं, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि परिवार पर इसका क्या असर पड़ा है जितेंद्र, 8 महीने बाद जो हुई वो घटना, उसके बाद अब जाकर? जी, परिवार पे यही है, आज 9 महीने होने को जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति घर की बहुत कमजोर है, जो कर रहे हैं पिताजी कर रहे हैं, मेरी जिम है वो भी ठप पड़ी है, मैं खुद जिम का ओनर था, ट्रेनर था, मैं अपनी पर्सनल जिम चलाता था, वो जिम की इनकम है वो भी ख़त्म हो चुकी है, प्लस मेरे इलाज का, मेरे बीवी बच्चों का, घर का, सभी का खर्चा, पिताजी किसान आदमी कैसे करके एडजस्ट कर रहे हैं, कोई आर्थिक मदद नहीं किसी भी तरफ से, और सरकार से कई बार मिलने की कोशिश की है लेकिन कोई बंदा मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने मुख्यमंत्री योगी से मिलने की कोशिश की थी? जी, पिताजी गए थे लेकिन मिलने नहीं दिया, गए थे पिताजी। जी, लखनऊ गए थे पिताजी, तब भी नहीं मिले वो? हाँ, मिलने नहीं दिया, यहाँ पे गाजियाबाद में भी आए थे तब भी मिलने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद विवेक तिवारी की पत्नी को बुलाया, उनसे मुलाकात की, मगर उनका एक और नागरिक है, इस राज्य का एक और बेटा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सही नहीं समझा कि अपने एक और बेटे से, अपने एक और नागरिक से मिल सकते थे, वो बेटा जिसकी हकीकत ये बिस्तर बनकर रह गई है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि देखिए जितेंद्र की क्या हालत हो गई है, एक ऐसा शख्स जैसे अपने शरीर पर, अपने पूरे जिस्म पर एक किस्म का स्वाभिमान था उनका, और उन्हें देखकर लोग खुश होते थे, क्योंकि देखिए तस्वीर आपके सामने है, यह है उनका इतिहास, आप देख सकते हैं, ये उनका इतिहास है, इस इतिहास में आप देख सकते हैं उनका क्या इतिहास होता था और अब उनका वर्तमान दरअसल क्या बनकर रह गया है। वर्तमान जो है वो मेरे सामने यहां पर है। आज जब आप अपने देश के इस बेटे को देखते हैं, जब आप अपने राज्य के इस बेटे को देखते हैं, और अगर आपकी आंखों में
इसका कोई असर नहीं पड़ता, आपके दिल पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, तो हम अंदर से पथरा चुके हैं, हम अंदर से पथरा चुके हैं। और वो कैसी राज्य सरकार होगी जो अपने इस बेटे को भूल गई, जो अपने इस सिटीजन को भूल गई? ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी त्रासदी है इस राज्य के सामने। रुको, रुक गया।